नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। ओलंपिक में जिस जेवलिन यानी भाले ने स्वर्ण पदक जीत लिया हो, उसे छू भर लेने की इच्छा न जाने कितने दिलों में होगी, और वही भाला किसी को हमेशा के लिए मिल जाए तो कैसा रहेगा। वैसे तो इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन जिस चीज की आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो आपके लिए आसानी से उपलब्ध है। दरअसल में प्रधानमंत्री लोगों को ऐसा नायाब मौका दे रहे हैं कि वे देश के गौरव से जुड़ी चीजों को अपना बना सके। इन चीजों में ओलंपिक में भारत का सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के खेल उपकरणों समेत कई प्रतिष्ठित और ऐसी कलात्मक वस्तुएं शामिल हैं जो प्रधानमंत्री को उपहार या स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की गई है। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में हरियाणा के रहने वाले सुमित अंतिल ने जेवलिन फेंककर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। वे जितनी दूर तक भाला फेंक सकते थे वहां तक फेंका, और किसी को पता नहीं था कि उनकी इस कोशिश से विश्व कीर्तिमान बन जाएगा। उन्होंने 68.55 मीटर दूर भाला फेंक कर न सिर्फ जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया। सुमित भारत लौटे तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर अपना जेवलिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया। इस जेवलिन को अब कोई भी हासिल कर सकता है। इसके लिए बस pmementos.gov.in पर चल रही ऑनलाइन बिड में हिस्सा लेना है। 17 सितंबर से शुरू हुई ये नीलामी 7 अक्टूबर तक चलेगी। सुमित अंतिल के अलावा कई ओलंपिक और पैरालंपिक विजेताओं के खेल उपकरण प्रधानमंत्री को भेंट में दिए गए हैं। इनके अलावा कई स्मृति चिन्ह जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तुत अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा प्रस्तुत चार धाम की लकड़ी की प्रतिकृति, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की प्रतिकृति उन वस्तुओं में शामिल है जिनकी नीलामी हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीलामी में हासिल होने वाली रकम देश की जीवनदायिनी नदी गंगा के संरक्षण कायाकल्प कार्यक्रम नमामि गंगे परियोजना पर खर्च की जाएगी। इस नीलामी को लेकर देश में कैसा उत्साह और माहौल बनता जा रहा है, इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सुमित अंतिल के जेवलिन का बेस प्राइज 1 करोड़ तय किया गया था। 5 दिन में इसकी बोली बढ़कर 10 करोड़ रुपए हो गई है। राष्ट्रीय से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए एनबीसी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।